अरे यार अमन तो बहुत अच्छा खेल रहा है, ये हम लोग को तो टूर्नामेंट में जितवा सकता है। लगता है अमन को पैसा देकर अपनी टीम में करना पड़ेगा, लेकिन क्या वो मानेगा? हाँ यार जितवा तो सकता है। सभी गाँव वासियों को सूचित करता हूँ कि कल है टूर्नामेंट और उसमें 25 लाख रुपया इनाम रहेगा। सभी लोग से निवेदन है कि कल सभी लोग वहाँ पर इनवाइटेड हैं और सभी लोग को आना है। तो कल है और आप लोग कृपया करके सब लोग आइएगा। कल मैंने अमन को देखा था, बहुत अच्छा मैच खेल रहा था और वहाँ पर मैंने देखा टूर्नामेंट भी होने वाला है। अमन को खेलने लिया चले? हाँ यार उसे ले लिया जाए। हाँ चलो देखा जाए खेलेगा कि नहीं। मैंने देखा था आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो। हाँ खेलता तुम। कल टूर्नामेंट होने वाला है, मेरे साथ चल सकते हो खेलने? लोगों के साथ खेल लेता हूँ क्योंकि ये लोग मेरे साथ बहुत पहले से खेल रहे हैं। चलो मैं तुम्हारी टीम की तरफ से खेलूंगा। ठीक चलो। कल तो टूर्नामेंट है। आज देखा अमन एक लड़का था जो बहुत अच्छा खेल रहा था, अगर उसको हम लोग अपने टीम में शामिल कर ले तो हम लोग टूर्नामेंट जीत जाएंगे। अरे यार वो पर अपने गरीब दोस्तों के साथ काफी दिन से खेल रहा है, उसको कोई पैसा वैसा देना पड़ेगा, मतलब लालच देना पड़ेगा तभी वो हम लोगों के साथ खेलेगा। बात तो तुम सही कर रहे हो। पैसा मंगाओ मंगाओ। छोटू पैसा लेके आओ। लो थोड़ा दिखाओ इसमें कितना पैसा है। देखो भाई 10 लाख रुपए हैं इसमें। इतने में तो काम बन जाएगा। चलो भाई चलते हैं। चलो चले। अमन क्या हुआ? तुम हम लोग की टीम से खेलोगे, ये लो 10 लाख रुपए। चलो चलें। क्या देके गए हैं ये लोग, देखना पड़ेगा। अरे इसमें तो पैसा है, ये क्या देखे गए ये लोग? 2000 years later। हेलो अच्छा ठीक है ठीक, गाड़ी निकाल तो चल। अबे सालो, टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, कहाँ मर गए थे तुम लोग? कैमरामैन जल्दी फोकस करो, मैच शुरू होने वाला है। फट यहाँ मैच चल रहा, तुम क्रिकेटर्स को नहीं दिखा रहे हो, यहाँ पर लौंडिया दिखा रहे हो। लौंडिया फोकस करोगे? बट 150 की दो लौंडे लाते हैं। टीआरपी एकदम हाई गई थी, तुम लोगों को दिखाते हैं टीआरपी की लौंडे ले जाती तुम बहुत सारी के लोग। तो आप इसमें से कौन सा लेंगे? टेल। अच्छा, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आया। वो देखो जिंदी लौंडिया, देखिए इसमें क्या आया। और ये है डातू हुए शेख साहब का सट्टा, मतलब पाकिस्तान टॉस जीत चुकी है। तो पाकिस्तानी बीच ये टॉस जीत चुके हैं, तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और ये मैच बिल्कुल ही सट्टा प्रूफ है, इसमें किसी भी तरह का सट्टा नहीं लगता है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, अरे वाह सर, बहुत सही जगह फोन लगाया। 1 करोड़, अरे वाह सर, क्या ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। तो आज हमारे साथ कोई नहीं है कमेंट्री करने वाला। चिंता मत करिए, हम लोग का बजट थोड़ा हाई था इसीलिए। और यहाँ पर बाबर आजम ने फैसला लिया है बैटिंग का, और ये इंडियन लेजेंड्स की पहली बॉल और छक्का। और ये विराट की दूसरी गेंद, और ये बहुत ही बेकार तरीके से खा लिया इन्होंने पूरी गेंद को। और ये विराट की तीसरी गेंद, इसको भी उन्होंने छोड़ दिया। और यहाँ पर अंपायर ने इशारा किया गेंद फेंकने का, और ये विराट की चौथी गेंद। तो आइए देखते हैं ये क्या कुछ कर पाते हैं पाकिस्तानियों के लिए। तो ये है विराट की 5वीं गेंद। जल्दी वहाँ से हटो, तोरा माई की गोर धरो। और ये 6वीं बॉल के बाद ओवर होते हुए ये लोग अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं। बाबर आजम बड़े ही गुस्से में लग रहे हैं, लगता है शतक मार के ही जाएंगे अब की बार। और साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, लगता है आज क्लीन बोल्ड कर ही देंगे। आगे क्या होगा इस मैच में, बने रहिए हमारे साथ। शार्दुल ठाकुर की बॉल छू तक नहीं पाए, अंपायर के इशारे पे शार्दुल ठाकुर की दूसरी गेंद, और ये छक्का। तो शार्दुल ठाकुर की तीसरी गेंद पे छक्का। बड़े ही गुस्से से बाबर आजम छक्के पे छक्का मारे जा रहे हैं और स्कोर बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब उतर चुके हैं राशिद खान, बड़े ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने मारा अपना पहला चौका। और ये स्टेडियम में पहली वाइट गेंद। साजिद खान बड़े ही गुस्से में, लगता है आज फाड़ देंगे, मेरा मतलब मार देंगे शतक। और ये बहुत ही शानदार छक्का, लेकिन 1 मिनट फिर से रिवाइंड किया जाए। अरे ये कौन है स्टेडियम में? जल्दी वहां से हटो। और ये बहुत शानदार छक्के ने छक्का मारा, मेरा मतलब बाबर आजम ने छक्का मारा। और ये बाबर आजम बहुत ही गुस्से में छक्का। अब की बार मुझे नहीं लगता कि ये मार पाएंगे, लगता है बाबर आजम को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया, तभी तो वो बैक टू बैक छक्का पे चौका मार ही जा रहे हैं। लगता है घर वालों से कह के आए थे कि आज तो शतक मार के ही आएंगे। इस मैच में बड़ी ही शानदार चीजें हो रही है, बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं क्या होता है आगे। 1 hour later. और ये इंडियन लेजेंड्स की तरफ से विराट कोहली बैटिंग पे उतर चुके हैं। आते ही मारा बहुत ही बेहतरीन छक्का, लगता है विराट कोहली एक भी बॉल डॉट नहीं जाने देंगे। विराट कोहली आज बहुत ही ज्यादा फॉर्म में लग रहे हैं, लगता है मार देंगे शतक। और उनके फॉर्म में होने का कहीं ना कहीं कारण है बाबर आजम। सभी दर्शक और खिलाड़ी हैरान हो चुके हैं इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देख कर। इसी स्पीड से तो बहुत जल्दी शतक मार देंगे विराट कोहली। 1 hour later. और ये बड़ी ही तेजी के साथ विराट कोहली ने कंप्लीट किया अपना पहला शतक। और ये बाबर आजम की 6वीं गेंद। ओ सेट, पहली नो बॉल स्टेडियम में। अब आखिरी गेंद पे विराट कोहली ने मारा बड़ा ही शानदार और अविश्वसनीय छक्का, लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि ये छक्का कब विकेट में तब्दील हो जाए पता ही नहीं चलेगा। और ये बॉल बड़ी ही तेजी के साथ राशिद खान के हाथ में। पाकिस्तानी बीस्ट बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी जल्द ही दुख में बदलने वाली है और ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि राशिद खान बाउंड्री के बाहर है। मुझे लगता है कि अभी तक राशिद खान को ये नहीं पता है कि वो बाउंड्री के बाहर हैं। फाइनली पता नहीं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तुम तो हम लोग की तरफ से खेलने वाले थे। मेरे दोस्त जो गरीब थे वो लोग मेरे साथ बहुत पहले से खेल रहे थे, इसलिए मैं उन लोगों के साथ खेलूंगा। गद्दारी करवा, मैंने तुमको 10 लाख रुपया दिया, तुम गद्दारी कर दिए। तुम लोगों को तो पता ही है कि पैसा बहुत है लेकिन फूफा बदमाश है। तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस इस वीडियो को एडिट करने में बहुत ही ज़्यादा देर लग गई है, तो कोशिश करिए इस वीडियो को सबसे ज़्यादा फैलाने की, मतलब कि शेयर करने की। और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा टाइम और एफर्ट और बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग लगी है, तो कोशिश करिए इसको आप बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।